इंदौर में एक ओर राजनीति पूरे शबाब पर है तो वहीं दूसरी ओर शहर में चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला भवरकुआ थाना क्षेत्र का है, जहां चोरों ने व्यापारी के घर से सोने चांदी के जेवरात और लाखों रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया है। यही नहीं, दरवाजे में लगी कुंडी और बाथरूम में लगे नल तक चुरा कर फरार हो गए। चोरों की कुछ तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। चोर और डकैत अगर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे, जैसे सोने और चांदी के जेवरात पर हाथ साफ करना और नकदी लेकर फरार हो जाना, ये वाकई गंभीर अपराध है। लेकिन अगर कोई चोर दरवाजे की कुंडी व बाथरूम में लगे नल तक चुरा ले जाए, ये वाकई हास्यास्पद है। वो इसलिए क्योंकि चोर उसी घर से सोने और चांदी के जेवरात व लाखों रुपए की नकदी लेकर फरार हुए हैं। यह पूरा मामला भवरकुआ थाना क्षेत्र स्थित ब्रह्मापुरी कॉलोनी में रहने वाले नितिन नामक व्यापारी के घर में चोरों ने हाथ साफ किया है। कमरों में रखी अलमारियों से सोने चांदी के जेवर, 1.25 लाख रुपए की नकदी सहित लैपटॉप, दरवाजे की कुंडी, बाथरूम में लगे महंगे नल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चोर चुरा ले गए हैं। घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक महिला व दो पुरुष नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक व्यक्ति का चेहरा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कल हम लोग दोपहर में 2 बजे के आसपास हमारे दादा ससुर एक्सपायर हो गए थे, तो उनके इसमें गए थे 13वीं में, और हम लोग निकले। उसके बाद 2:29 पर दो लड़के और एक लेडीज हमारे गेट पे आई और दोनों लड़के अंदर घुसे और करीब 3:14 तक वो हमारे घर में रहे। 4:30 बजे जब हम लोग वापस आए तो हमने मेन गेट का लॉक खोल के अंदर आए और देखा तो हमारा जो साइड का गेट था वो उसका ताला वगैरह सब टूटा हुआ था। अंदर आके हमने देखा तो नीचे मदर और फादर का रूम है, उसके अलमीरा तोड़ी हुई थी और लॉकर भी उसका तोड़ा हुआ था, तो उसमें से वो लोग जो भी ज्वेलरी थी, सोने की ज्वेलरी, वो ले गए और पूरे गेटों के जो पीतल के वो थे वो सारे निकाल के ले गए हैं। बाथरूम में से जो नल वगैरह थे पीतल के, वाटर मिक्सर थे, वो सब निकाल के ले गए। फिर ये लोग ऊपर गए, ऊपर ब्रदर का एक रूम है उसमें गए और उसकी भी अलमारी को तोड़ा उन्होंने और उसके भी लॉकर में से ज्वेलरी लेके गए। एक उसमें हैंडीकैम रखा हुआ था सोनी का, वो भी ले गए प्लस ज्वेलरी ले गए। और साइड वाले रूम में बेटे का रूम था तो उसमें से लैपटॉप रखा था, डेल का लैपटॉप ले गए वो लोग। फिर मेरे रूम में वो लोग घुसे, वहाँ पर भी उन्होंने कुंडियाँ वगैरह तोड़ी और अलमारी को तोड़ने की कोशिश करी एक, तो वो उनसे टूटी नहीं। तो कुल मिलाकर के कुछ 1.25 लाख की नकदी थी दोनों अलमारी में, ऊपर और नीचे, और 198 ग्राम सोना था जो कि मदर का ज्वेलरी थी और ब्रदर की वाइफ की ज्वेलरी। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन शहर में दिन दहाड़े चोरी होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल या निशान खड़े कर रही है। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।